हेलो, वेलकम बैक टू हैम इंस्टीट्यूट। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और न्यू रेजिडेंशियल फ्लोर प्लान। बात करते हैं प्लॉट की। ये है हमारा प्लॉट। प्लॉट का साइज़ है, इसका जो फ्रंट है वो है आपका 23 फिट। ठीक है, ये पूरा जो फ्रंट है यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका 23 फिट। और बात करें इसकी डेप्थ की, तो डेप्थ है इसकी 42 फिट। तो ये जो प्लॉट है वो है 23x42 का। डन। और जिसके अंदर रिक्वायरमेंट थी, अब आते हैं प्लानिंग पर। इसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 2 BHK सेट की, 2 बेडरूम, 1 स्टोर, 1 किचन, ड्राइंग रूम, लॉबी, टॉयलेट, स्टेयरकेस और 1 बाहर WC। ठीक है, तो डिटेल कर में चलते हैं इसकी प्लानिंग की। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं एंट्री की तरफ। ये था हमारा टोटल प्लॉट। तो लेफ्ट साइड से ली है हमने ये एंट्री। 9.5 फिट का आया है इसमें मेन गेट। थोड़ा इसको जूम करके चलते हैं इसके अंदर। ये वाला जो हो गया है हमारा पोर्च है, और देखते हैं इसका साइज जो हमने लगाया है वो है 9.5x12। ठीक है, जो इस पोर्च का साइज है वो है 9.5x12। और साथ ही साथ राइट साइड में जो आप ये देख रहे हैं 4 फिट का जो हमने दिया है ओपन, और ओपन के बाद लास्ट में दी है ये 3.5x3 की आपकी 1 WC। ठीक, देन अब बात करेंगे हम ड्राइंग रूम की। तो राइट साइड में जो है दिया है एक ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम का साइज है 11 फिट 8 इंच तो है ऐसे, और 11 फिट 6 इंच है ऐसे। ठीक है, और ड्राइंग रूम से दिया गया है हमें इसमें 1 डोर जो आपका जाता है लॉबी में। ठीक है, अब हम वापस आते हैं यहाँ पे पोर्च में। पोर्च से ही जो है हमने दिया गया है यहाँ 1 टॉयलेट। ये क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग दिया है तो इसलिए ये बाहर ही हमें देना पड़ा। इसका साइज है 5 फिट 7.5 इंच बाई 4 फिट। ठीक है, एंड देन ये होगा हमारा मेन एंट्रेंस टू लॉबी। तो हम आ गए हैं लॉबी में। प्लान को थोड़ा सा करते हैं हम नीचे। तो लॉबी में हम आ जाते हैं। लॉबी का साइज है 13.5x7, और लॉबी के जस्ट फ्रंट से ही ये है हमारा 1 डोर, और डोर से कनेक्ट है ये हमारा किचन। और इस किचन का साइज है अप्रोक्स 8x7। और किचन में वेंटिलेशन आ जाए इसके लिए हमने यहाँ पे छोड़ी है पीछे शाफ्ट इन ओपन 2.5x4 की ये ओपन। देन एक स्टोर की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ से डोर आएगा और ये 5.5x4 का एक स्टोर बन जाएगा। अब चलते हैं हम दोनों बेडरूम्स की तरफ। थोड़ा सा और से नीचे करते हैं। ये हमारा बेडरूम 1 एंड दिस इज 2। तो पहले चलते हैं बेडरूम 1 में। ये यहाँ से होगा बेडरूम 1 का एंट्रेंस, और जो इसका साइज है ये हमारा पूरा बेडरूम 1 12x12 का इसका बेडरूम का साइज है। और इसमें 2 जगह से होगा वेंटिलेशन, एक ये ओपन एरिया में से, और एक जो है पीछे जो बैक साइड में ओपन एरिया है यहाँ से। अब चलते हैं हम बेडरूम 2 की तरफ। दिस इज बेडरूम 2, और इसका जो डोर आएगा वो ये आएगा, और ये हमारा बेडरूम 2। इसका साइज है 9.5x12, और इसका वेंटिलेशन होगा यहाँ से, ये लगेगी यहाँ पे विंडो, और इसमें आएगी ये विंडो और एक विंडो ये, मतलब फुल्ली वेंटिलेटेड हाउस है। ठीक है, तो अगर आपका प्लॉट साइज अप्रोक्स यही है 23 फिट फ्रंट और 42 फिट डेप्थ, तो आप इसमें से कुछ अपने लिए आइडिया अडॉप्ट कर सकते हैं। ये अगर आपकी रिक्वायरमेंट अलग है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए फ्लोर प्लान वगैरह बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन की। फ्रंट एलिवेशन की तरफ चलते हैं। तो ये है इसका एलिवेशन। जैसे हमने बताया है, ये लेफ्ट साइड में 9.5 फिट का आया है हमारा मेन गेट। देन ये हमारी बाउंड्री वॉल आएगी, ये बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन हो जाएगा, और लास्ट में ये जो आप देख रहे हैं ये है टॉयलेट। ठीक है, ये टॉयलेट की वॉल है, और स्टेयरकेस जैसे ऊपर आ रहा है यहाँ से हमारा ये पूरा स्टेयरकेस जाएगा, एंड देन ऊपर जाके ये ममटी की वॉल आ जाएगी। ठीक है, और ये आई है इसमें 2 विंडो, और ये 4.5 इंच लेवल प्लस करके हमने जो है वुडन टेक्सचर में यहाँ पे प्लैंक्स या टाइल लग जाएंगी। ठीक है,
ठीक है, ये हमारी बालकनी है और ये हमारा ग्लास आ जाएगा, ग्लास रेलिंग, और ये आ जाएगा ग्लास, ठीक है। और जो विंडो यूज़ की गए हैं वो है UPVC विंडो, ठीक है। यहाँ पे हम आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ करेंगे और लाइटिंग के साथ, ठीक है। इसका जो एक लाइटिंग इफ़ेक्ट के साथ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है उसकी रेंडर्ड इमेज, ठीक है। एक देश यहाँ पे जो है ये लाइटिंग लगा सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा लाइट इफेक्ट निकल कर आएगा, और बाउंड्री पर भी ये लाइटिंग्स लगा सकते हैं। एंड देन अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा, आप इससे रेफरेंस ले लीजिए, और अगर आपको अगर इसी के जैसे और बनवाने हैं तो अलहदा बनवाने हैं, डिफरेंट बनवाने हैं, तो आप हमें जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है थंबनेल पे आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हैम इंस्टीट्यूट।